नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, अनुदेशक और शिक्षा मित्र बहुत लंबे समय से एक बहुत बड़ी खुशखबरी का इंतजार कर रहे हैं और वो खुशखबरी ही अनुदेशक और शिक्षा मित्रों की सभी समस्याओं का अंत कर सकती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अनुदेशक और शिक्षा मित्रों के नियमितीकरण की। अलग अलग राज्यों से अलग अलग तरीके की खबरें सुनने को मिल रही हैं। अब एक बड़ी खबर जो है वो मध्य प्रदेश से भी आई है और ये आपकी स्क्रीन पे ही है। हम थोड़ा सा इस पे नजर डाल लेते हैं। देखिए, इसमें ऊपर लिखा हुआ है संविदा मतलब अब पक्के कर्मचारी, नई पॉलिसी में पूरा वेतन और पेंशन भी, सीधी भर्तियों में भी अभी संविदा का 20% कोटा, इसे 50% किया जाएगा। मध्य प्रदेश के विभिन्न विभागों में काम कर रहे 2.5 लाख से ज्यादा संविदा कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है कि सरकार राज्य से संविदा कल्चर खत्म करने जा रही है। इसकी तैयारी शुरू हो गई है। संविदा कर्मचारियों को सरकारी कर्मी की तरह सुविधा देने के लिए पॉलिसी तैयार कर ली गई है। इस पर जून के आखिरी में मोहर लग सकती है। विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार इसे लेकर बड़ा ऐलान कर सकती है। नई पॉलिसी में न केवल संविदा कर्मियों को पूरा वेतन देने का प्रावधान होगा बल्कि सामाजिक सुरक्षा की भी गारंटी होगी। इन्हें सरकारी कर्मियों के समान ही नियमों के दायरे में लाया जाएगा, यानी जिस पद पर काम उस पद पर 90% के बजाय 100% वेतन मिलेगा। नई पॉलिसी पर कई स्तरों पर मंथन हो चुका है, यानी कि मध्य प्रदेश में जितने भी संविदा कर्मचारी हैं उन सभी को अब पक्के कर्मचारी की तरह ही वेतन मिलेगा, पेंशन की सुविधा भी मिलेगी, सारी सुविधाएं मिलेंगी। और इसी तरीके की एक बड़ी खबर का, एक बड़ी खुशखबरी का इंतजार जो है अनुदेशक और शिक्षा मित्र भी बहुत लंबे समय से कर रहे हैं और अनुदेशक और शिक्षा मित्रों की सभी समस्याओं का अंत जो है वो भी सिर्फ इसी एक तरीके से हो सकता है और वो है नियमितीकरण का। यानी कि अनुदेशक और शिक्षा मित्र भी बहुत लंबे समय से जिस चीज का इंतजार कर रहे हैं, अब सरकार को वो खुशखबरी जो है अनुदेशक और शिक्षा मित्रों को भी अन्य राज्यों की तरह दे देनी चाहिए। इससे संबंधित जो भी अपडेट निकलेगी वो लगातार मैं अपने चैनल पे आपको दिखाता रहूंगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन जरूर दबा लें और इस वीडियो को भी लाइक शेयर कर दें। धन्यवाद।